दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों मेरे चैनल देखने से पहले जरूर लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन कैसे करते हैं, जो कि स्टेबलाइजर का होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग 1 KVA, इनपुट रहेगा 140 वोल्ट टू 300 वोल्ट और उसका आउटपुट रहेगा 200 वोल्ट। तो दोस्तों हम लोग ट्रांसफार्मर बनानी है जो कि 1 KVA का होगा और 40 से लेकर 300 वोल्ट तक काम करेगा। इसके लिए पहले हम लोग ये जो लिस्ट है इस सूची को हम लोग नोट करेंगे और 1 KVA का जो है आउटपुट एम्पियर जो होता है 3 एम्पियर होता है और उसके वायर जो लगेगी 19 नंबर का तार लगेगा सेकेंडरी में। पहले हम लोग सेकेंडरी ज्ञात करनी पड़ती है। तो फर्स्ट हम लोग पता करेंगे कि इसकी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज कितनी है। तो इनपुट वोल्टेज है 140 वोल्टेज मल्टीप्लाई 1.5 बराबर होगा 210 वोल्ट, प्राइमरी इसकी 210 वोल्ट हो जाएगी। और इसकी बूस्टिंग वोल्टेज जो है 60 वोल्टेज है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो ये हो जाएगी 90 वोल्टेज। इसकी सेकेंडरी जो है बूस्टिंग करेगा 90 वोल्टेज और प्लस 210 वोल्ट, टोटल हो गया 300 वोल्ट। मतलब इसकी जो ट्रांसफार्मर वर्किंग जो करेगी वो लास्ट 300 वोल्ट तक वर्किंग करेगी। इसलिए हम लोग डेढ़ गुना लेते हैं, मतलब जैसे कि 140 का स्टेबलाइजर बना रहे हैं तो उसमें डेढ़ गुना वोल्टेज इनपुट हो, 90 वोल्ट सेकेंडरी हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेगा 3 एम्पियर से, जो कि हम लोग लिस्ट में देखे थे इसकी जो एम्पियर है 3 एम्पियर की होती है ट्रांसफार्मर। तो इसकी वाटेज जो निकल रही है 280 वाट निकल रही है, 3 एम्पियर से करेंगे तो हम लोग 280 वाट निकल जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 280 वाट का कोर एरिया लेंगे, जो कि कोर एरिया का फॉर्मूला से ये है आपके कोर एरिया का फॉर्मूला, 280 वाट बराबर 280 वाट स्क्वायर रूट लेंगे तो निकलेगा 16.73 और 16.73 का डिवाइड करेंगे 5.58 से, जो कि फार्मूले में है 5.58 जो फार्मूला है, इसका निकल गया 2.99 स्क्वायर इंचेस। इसका जो है कोर एरिया जो है 2.99 स्क्वायर इंच निकल गया, अप्रोक्सीमेट हो गया आपका 3 स्क्वायर इंचेस। तो लिस्ट देखेंगे, लिस्ट में आपका आया तो दोस्तों इसका जो है कोर नंबर 6 आया और इसकी लंबाई चौड़ाई जो था आपका 3 था। तो ट्रांसफार्मर की जो है चौड़ाई उसकी 1.5 इंच की होती है और इसकी लंबाई लेंगे 2 इंच का, इसका स्टेक जो है लंबाई चौड़ाई 2 इंच बाई 1.5 इंच होगा। तो हम लोग कोर लेंगे 4 नंबर 1.5 इंच में। चलिए तीसरा फॉर्मूला पे चलते हैं, हम लोग प्राइमरी का करंट निकालेंगे, कितना प्राइमरी करंट है। तो सेकेंडरी 280 वाट था उसका और प्राइमरी का वोल्टेज था 210 वोल्ट बराबर 1.33 एम्पियर हो रहा है, 1.33 एम्पियर हो रहा है। तो इसके लिए वायर लेंगे हम लोग 22 नंबर का तार, इसका जो है तार लेंगे 22 नंबर का। तो इसमें जो आपकी प्राइमरी वायर आ रही है 22 नंबर, तो हम लोग 22 नंबर का तार चलाएंगे। अब हम लोग TPB निकालेंगे, TPB के लिए 4 फॉर्मूला लेंगे हम लोग, 7.5 इंच फॉर्मूला और इसका जो ट्रांसफार्मर की स्क्वायर इंच एरिया जो था कोर एरिया वो था आपका 3 7.5 / 3 बराबर 2.5 TPB इसका आ रहा है। तो हम लोग को जो मिला TPB इसका 2.5, इसका जो TPB है 2.5। और फिर फॉर्मूला है आप लोग का प्राइमरी का टॉर्स ज्ञात करना, तो प्राइमरी का टॉर्स ज्ञात करने के लिए 2.5 TPB लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 210 वोल्ट, आपको प्राइमरी वोल्टेज था 210 वोल्ट तो ये आ गया 525 टॉर्स आ गया प्राइमरी। प्राइमरी हम लोग जो तार लपेटेंगे 525 टॉर्स तार लपेटेंगे। छठा फॉर्मूला लेंगे हम लोग सेकेंडरी का टॉर्स ज्ञात करना, तो TPB था 2.5 मल्टीप्लाई 90 वोल्ट सेकेंडरी तो ये निकल जाएगा 225 टॉर्स ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी का जो होता है टॉर्स होगा 225 टॉर्न हो जाएगा। सातवां फार्मूला जो है 7 लूप निकालेंगे हम लोग रोटरी के लिए, तो कैसे निकालेंगे, 225 टॉर्न है सेकेंडरी उसमें हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो निकल रहा है 32.14,
तो हम लोग इसको 33 टन ले लेंगे। तो एक लूप निकालने के लिए 33 टन हम लोग लेते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर का डाटा रेडी हो गया, 1 KVA इनपुट 140 से लेकर 300 वोल्टेज, इसकी प्राइमरी जो है 525 टन रहेगा, 525 टन रहेगा 22 नंबर का तार से, सेकेंडरी जो 19 नंबर का तार से रहेगा 33 टन, 33 टन लपेटते हुए जाना है। 7 लूप निकालना है यहाँ पे, कोर रहेगा 4 नंबर का और बोबिन इसका रहेगा 2 इंच। तो दोस्तों ये डाटा तैयार है, अब हम लोग दूसरे डाटा पर चलते हैं। दोस्तों हम लोग 1 KVA इनपुट 90 वोल्ट से लेके 300 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर का डाटा निकालेंगे। तो 110 वोल्ट जो है 90 वोल्ट का जो स्टेबलाइजर होता है सेकेंडरी, उसकी बूस्टिंग वोल्टेज होती है 110 वोल्टेज। तो 110 वोल्टेज मल्टीप्लाई 1.5 ये डेढ़ गुना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 वोल्ट इसका निकल जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है इसकी 165 वोल्ट है। तो हम लोग को मालूम है ट्रांसफार्मर कितनी एम्पीयर की होती है, 3 एम्पीयर की होती है। 3 एम्पीयर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 165 वोल्ट का, तो आ जाएगा 495 वाट। ये ट्रांसफार्मर जो है 495 वाट की है इसकी सेकेंडरी। तो 495 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये निकल जाएगा 22.24। इसको डिवाइड करेंगे 5.58 से जो कि फार्मूले में है, ये बराबर आ जाएगा 3.9 स्क्वायर इंच कोर एरिया। इसे कोर एरिया जो आ जाएगी 3.9 स्क्वायर इंच। तो दोस्तों हम लोग कोर लेंगे 7 नंबर 2 इंच का, तो इसकी जो चौड़ाई होती है 2 इंच होता है और उसकी लंबाई होगी 2 इंच, चौड़ाई इसकी 2 इंच होता है और लंबाई लेंगे हम लोग 2 इंच, तो बराबर होगा 4 इंच। 4 इंच के लिए हम लोग टीबी भी अब निकालेंगे, तो 7.5 लेंगे हम लोग जो फार्मूले में है, डिवाइड करेंगे 4, कोर एरिया जो है बराबर आएगा 1.87। इसकी जो टीपी भी आ जाएगी 1.87, तो 1.87 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 135 वोल्ट जो कि 90 वोल्ट के लिए है, इसमें निकल जाएगा 253 टर्न्स हो जाएगा आपका प्राइमरी। तो इसे सेकेंडरी जो है 1.87 सेकेंडरी वोल्टेज होगा 165 वोल्ट का, टोटल आ जाएगा 308 टर्न्स। इसकी सेकेंडरी जो आ जाएगी 308 टर्न्स आ जाएगा, 308 टर्न्स डिवाइड करेंगे 7 लूप से तो बराबर आ जाएगा 44 टर्न्स पर लूप। इसमें एक लूप निकालने के लिए 44 टर्न्स लिपटेंगे यानी कि 44 टर्न लिपटेंगे। तो सेकेंडरी इसकी जो है 3 एम्पियर है, सो वी विल टेक 19 एम्पियर वायर। हम लोग जो वायर लेंगे 90 नंबर का तार लेंगे जो कि फार्मूले में है, और प्राइमरी सेकेंडरी सेम तार लेंगे क्योंकि 90 वोल्ट 100 वोल्ट और 110 वोल्ट में हम लोग सेम तार लेते हैं। तो ये 19 नंबर का तार लेंगे दोनों साइड में, 1 KVA 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर का डाटा तैयार है। और हम लोग इसमें 253 टन लिपटेंगे 19 नंबर का तार से, और सेकेंडरी 44 टन लिफ्ट 44 करते हुए 19 नंबर का तार से लिपटेंगे। 7 लूप निकालना पड़ेगा हम लोग को, कोर रहेगा 7 नंबर, इसकी जो चौड़ाई होगी 2 इंच। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर तैयार है इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से कोई भी आप ट्रांसफार्मर का डाटा निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।